अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम सैम्स कुकिंग एंड क्राफ्ट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके साथ आज मैं बहुत मज़ेदार और नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 1 kg आपने पोटैटो लेने हैं, उनको बॉईल करके आपने उनको छील लेना है। ये मैंने ब्रेस्ट पीस लेके उसको नमक डाल के बॉईल कर लिया है और इस तरह से शर्ट कर लिया है। ये 2 tablespoons आपने बटर लेना है, 1/2 tablespoon ब्लैक पेपर लेनी है, 1/2 teaspoon वाइट पेपर लेनी है, 1 tablespoon आपने सॉल्ट लेना है और ब्रेड क्रम्स लेनी है आपने। आप इनको घर में भी बना सकती हैं और बाज़ार के ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 अंडे लेके मैंने इनको फेंट लिया। ये देखें, मैंने आलू जो है वो उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैं ये शेड किया हुआ चिकन जो है वो इसमें डाल दूँगी सारा। ये सारे जो मसाले में थे वो भी इसमें सारे डाल दूँगी। ये ओरिगानो है, ये आपने टेस्ट के लिए आप अपनी पसंद के, अगर डालना पसंद है तो आपको डाल लें वरना ये ऑप्शनल है। ये बटर है, बटर आपने ये आपने बटर डाल दिया। इसको अब आपने सब चीज़ों को अच्छी तरह से आप हाथ से अच्छी तरह से मैश कर लें। मिक्स मटेरियल को मैंने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद मैं इनके कबाब बना। व्यूअर्स कबाब रेडी हो चुके हैं, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बने हैं।